अस्सलामुअलैकुम। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पे ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। मैंने एक फाइल उस वक्त ग्रुप पे भेजी थी, मैंने एक फाइल ग्रुप पे डाली थी एमसीक्यूज की। वो फाइल दोबारा ओपन कर लीजिएगा। मैंने ये फाइल ग्रुप पे दोबारा भेजी है। पहले क्वेश्चन, अगर आप फाइल खोल लोगे तो जो पहला क्वेश्चन है वो यहां से देख सकते हो। द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम इज रिप्रेजेंटेड एज हीलियम 4-2। व्हाट डज अ न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम कंटेन? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो कहते हैं व्हाट डज अ न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम कंटेन। जो न्यूट्रल एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तो वो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एटम न्यूट्रल कब होता है? जब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों। तो एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन डी है, या तो ए होगा या डी होगा। अब आपको ये तो पता ही है कि मास नंबर लिखा है 4। मास नंबर कैसे निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें। तो अगर मैं यहां देखूं तो मास नंबर आ रहा है 4। 2 + 2 करें तो 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो यहाँ से मेरे पास तो माइक खुला हुआ है। आप लोग बताइएगा बाकी लोग कि क्या आप लोगों को आवाज आ रही है। कैन यू पीपल हियर मी? चेक करिएगा कि क्या आप लोगों को। हाँ, इसका आंसर तो ए है,
लेकिन आप लोगों को सही, तो इसका आंसर आ रहा है ए, इस वाले का आंसर आ रहा है ए। इन द सिंपल मॉडल ऑफ एन एटम एक्स ऑर्बिट्स अराउंड वाई, देखो ये वाली चीज देखो, और व्हाट आर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है। इन द सैंपल मॉडल ऑफ एन एटम एक्स ऑर्बिट्स अराउंड वाई, तो जो बाहर घूम रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अंदर होता है वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें आंसर सेलेक्ट हो रहा है ए, वाई का मतलब है न्यूक्लियस और एक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन। जो लोग आंसर लिख रहे हैं ग्रुप पर, जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो साथ में क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, जैसे 17 का ए है तो उससे ना चेक करना आसान हो जाता है। चलो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस व्हेन थोरियम 223 इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा डिके होता है तो मास नंबर में से 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर में से 2 कम होता है, तो आप क्या करो 223 में से 4 माइनस कर दो। टू टू थ्री में से 4 माइनस कर दो और ये हो जाएगा 119, और 90 में से 2 माइनस कर दो। इसमें होगा 219, वो मैंने गलती से 119 लिखा हुआ है, आंसर होगा बी। हाँ सॉरी, मैंने गलती से 119 लिख दिया, तो वो होगा 219, तो आंसर आ रहा है बी। सिंपल सी बात है, बहुत अगर फिर के बारे में सर आपको जिसको बनाना पड़ा। बिल्कुल, तो हाँ सॉरी, आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि नीचे तो 88 आएगा और ऊपर आएगा 219। सस्ता भाड़ नहीं सुनेगा, इससे देंगे सर आपको, अपने औकात से बाहर जाएंगे, पूरा जवाब देगा, तभी खुश हो जाएंगे। हाँ बाबा, ये पेपर टाइगर बनने का शौक।
सिग्नल लगा रहे हैं लोगों के सामने, और ये जो आप कोशिश कर रहे होते हैं लोगों के सामने पेपर टाइगर बनने की, ये नहीं सर, जो कर सकते हैं मैं आपका ओपन चांस, ओपन कह रहा हूँ, जो कर सकते हैं कर लीजिएगा, जिसको चाहे फोन कर लीजिए, स्टाफ के सामने अगर आप दोबारा कर आए मैं पूरा जवाब दूंगा, उसके बाद आपको जो करना हो, असल मोबाइल को फोन करना है, यश भाई को करना है, अली भाई को करना है, डीजी रेंजर को फोन, जिसको करना हो कर लीजिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, तबियत खुश रहे, आपको सुनना क्या है मैं समझाऊंगा। How many protons are in the nucleus of an atom of radium 22688? ये देखिएगा कि अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो आराम से निकलते हैं, क्योंकि जो नीचे नंबर होता है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है 88, यही बेसिकली प्रोटॉन होता है, तो आंसर होगा ए, 19 का आंसर होगा ए। Fluorine exists as two isotopes. One has a nucleon number, mass number of 35, and the other has a nucleon number, this. Which table shows the correct numbers of protons and neutrons in the isotopes? Chalo, ab ye wala karke do, 21 karo. क्वेश्चन नंबर 21 करें। का ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 18, जो पहला वाला है क्लोरीन का 37, सही है, तो बाकी लोग भी अपना आंसर दें 21 का ए। अब आप लोग आ जाओ 22, वन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज C14 6, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स and protons does each atom of the isotope contain? C14 6 है, अब हम आ रहे हैं 22 पर, कह रहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, 14 माइनस 6 कर दो, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं 8, ये है सी, बाकी हाँ 22 का आंसर, मेरे पास भी सी आ रहा है, बाकी लोग भी चेक करिएगा, 22 का आंसर आ रहा है सी।
ठीक है, 22 का आंसर आ गया। In one radioactive decay, radium gives rise to radon as shown. Which particle is also produced? देखो 226 जो है वो 222 बना, तो 4 का डिफरेंस है, नीचे 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम ये देखें 23 में, तो ऊपर 4 का फर्क है, नीचे 2 का फर्क है। आपको अल्फा डीके और बीटा डीके की इक्वेशंस मैंने बताई थी, तो जब 4 ऊपर 4 का डिफरेंस है, नीचे 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि ये अल्फा डीके है। तो इसका आंसर होगा 23 का आंसर सजेस्ट करें, हाँ 23 का आंसर होगा ए। इसके बाद अब है नंबर 24। ट्वेंटी फोर का आप कह रहे हो सी, प्रोटॉन नंबर इज अनदर नेम फॉर एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन नंबर इज अनदर नेम फॉर मास नंबर, व्हाट आर आइसोटोप्स। इसमें 23 का आंसर सी है। अच्छा सही सही, ठीक है। 15 इज अ न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ नाइट्रोजन। चलो अब 25 25 नंबर कर दो, क्वेश्चन नंबर 25 करके दो।
25 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, 25 का बी एक सजेशन आई है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, 7 है ना, 7 प्रोटॉन है, तो अगर नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है तो अगर आपको न्यूट्रल एटम बनाना है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 25 का आंसर जो है, 25 का आंसर है ए, 25 का जो आंसर है वो है ए। तो फाइनल डाउनलोड किया था हम उसके बाद दो एक और क्वेश्चन शीट में आपको भेज रहा हूं।
मैं ग्रुप पर एक और फाइल भेज रहा हूँ, आप लोग ये वाली फाइल देखिएगा। ये फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी है, आप सब लोग इसको ग्रुप पे खोल लीजिएगा, और ग्रुप पे खोलने के बाद फिर आप लोग इसको पहले क्वेश्चन से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन 15-7 इज करेक्ट, द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। अब एक बच्चे ने बोला है 1 का सी, हाँ स्क्रीन शेयर्ड है, 1 का सी बोला है, द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 न्यूट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन्स, तो 7 न्यूट्रॉन भी सही है और 15 माइनस 7 करें तो 8, ठीक है, 1 का आंसर है ए, लेकिन सी कैसे, सी न्यूक्लियॉन का न्यूक्लियस कंटेन, हाँ ठीक है ठीक है, सी सी इज द राइट आंसर, द न्यूक्लियस कंटेन्स 7 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, 1 का सी है। और फिर आप करें, मुझे कर दें ये वाला क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटम्स, इसका आंसर कुछ लोगों ने सी बताया है। सही है, अगर सी है तो, लेकिन कुछ लोगों ने बी बताया, अच्छा 2 का बी कुछ लोग कह रहे हैं, चेक कर लो ना यार, वो कह रहे हैं विच आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटोप वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, अब प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन का ब्लैक है, इसमें 2 ब्लैक है, इसमें 3 ब्लैक है, इसमें 2 ब्लैक है, तो फिर तो पी और आर होगा, हाँ बी इज द राइट आंसर, सही है। चलो अब तुम लोग ये करके दो क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग 3 करके दो,
थ्री का आंसर विच पार्टिकल, अब इसमें कह रहे हैं एक्स, हमें कैसे पता कि एक्स इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह ये जी प्लस वन है और इससे पता चल रहा है कि ये बीटा डीके है। जब बीटा डीके होता है तो जो पार्टिकल निकलता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, तो थ्री का आंसर ए है। चलें अब करके दें नंबर फोर, अल्फा डीके में मास नंबर में से फोर माइनस कर दो और बीटा सॉरी प्रोटॉन नंबर में से टू, फोर का आंसर एक बच्चे ने बोला है डी, फोर का आंसर, फोर का ए आंसर भी एक ने, अच्छा फोर का आंसर ए भी सजेस्ट हो रहा है। ये वाली इक्वेशन है जिसको कहते हैं अल्फा डीके, अगर आप में से किसी को भूल गई हो तो ये इक्वेशन सब लोग याद कर लो, इसको कहते हैं अल्फा डीके। तो 240 में से 4 माइनस कर दिया, 236 आ जाएगा और 94 में से 2, 92, हाँ तो फिर आंसर डी है, डी। फिर जो आंसर आ रहा है, फिर जो आंसर आ रहा है वो है डी। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो, गीगर माजडन वाला, ये करके दो।
what is deduced from this experiment? Atoms contain air, electrons are found in atomic nuclei much smaller than atom. तो ये सही लग रहा है क्योंकि बाकी चीजें तो relevant ही नहीं है. गीगर मासन एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कवर हुआ था कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. चलो 14C6 रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियाइड ऑफ द एलिमेंट कार्बन एंड नाइट्रोजन 14C7 अ न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन. हाउ डज अ न्यूट्रल एटम ऑफ दिस डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम ऑफ दिस. दोनों में ये फर्क है कि ये आइसोटोप है, ये 14C7 है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर में फर्क है. 5 का आंसर है डी, पिछले 5 का आंसर था डी. चलो अब 6 करके दो. चलो 6 का बताओ. हाउ डज अ न्यूट्रल एटम ऑफ नाइट्रोजन 14C7, दोनों में प्रोटॉन का तो फर्क है. नाइट्रोजन में कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. सही है, 6 का आंसर आ रहा है डी, क्योंकि इसके पास 7 प्रोटॉन है और इसके पास 6 है. चलो अब ये वाला आप करो. 7 कौन है बेटा? इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी सबसे छोटा पार्टी कहाँ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 7 का आंसर है बी. अब एक क्वेश्चन नंबर 8 करो. 7 का बी है. क्वेश्चन नंबर 8 करें. The energy emitted by the sun is released when the nuclei of an element fuse together. Which nuclei, when fusing together, release most of the energy in the sun? ये करो. 8 का आंसर में कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम. इसमें आंसर जो है वो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहां फ्यूज होता है सी. ये तो मेमोरी है ना, क्योंकि सूरज पे जो बेसिकली प्रोसेस हो रहा है ना, उस पे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो ये मेमोरी है. इसका 8 का आंसर सी है. हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ क्रिप्टॉन आइसोटोप.
न्यूक्लियॉन्स तो आसान है क्योंकि ये जो बड़ा नंबर होता है यही न्यूक्लियॉन नंबर होता है, तो 9 पढ़ो और देखो 9 का आंसर क्या आएगा। A न्यूट्रल एटम ऑफ क्लोरीन 37। अच्छा बताओ इसका क्या, अच्छा उसका आंसर मैंने बता दिया था कि इसमें जो नंबर है 84 वही आंसर है सी। 9 का बी कैसे हो सकता है, वो तो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है ये बड़ा वाला नंबर। 9 का आंसर जो है वो 84 है। अब चलो ये करके दो 10, सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 करके दो। टेन का डी, अ न्यूट्रल एटम ऑफ क्लोरीन 37 इज कंपेयर्ड विद अ न्यूट्रल एटम ऑफ आर्गन 37। हाउ डू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ईच ऑफ द एटम्स कंपेयर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में 37 का मतलब मास नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो डिफर करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर के बारे में क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट ही होंगे क्योंकि 37 है ना एटॉमिक नंबर, तो दोनों का फर्क है। एटॉमिक नंबर डिफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफर करेंगे, जब एटॉमिक नंबर डिफर करेगा
एंड न्यूट्रॉन भी डिफर करेंगे तो सेम कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है। क्लोरीन में और आर्गन में दो डिफरेंट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, दो डिफरेंट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कैसे सेम हो सकते हैं अगर वो न्यूट्रल एटम। हाँ आयन बनना अलग बात है, तो इसमें आंसर जो है वो दो, इसमें दोनों डिफर करेंगे, ए है। मैंने भी उसका जवाब दिया है कि दो एलिमेंट्स अगर अलग हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन तो लाजमी बात है ना डिफरेंट होंगे, दो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं तो नंबर ऑफ, ये तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, बना हुआ कॉन्सेप्ट है कि क्लोरीन और आर्गन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफर करेंगे तो लाजमी बात है न्यूट्रॉन भी डिफर कर जाएंगे, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है ना 37। तो जब दोनों, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं कैसे, 37 माइनस प्रोटॉन नंबर, जो प्रोटॉन नंबर डिफर करेगा तो जाहिर है ये भी डिफर कर जाएगा। तो अब आप निकालिएगा, पास पेपर की बुक ले लें, जो आप लोगों के पास पेपर बुक्स है ना, पेपर टू वाली बुक्स ले लें, नवंबर 19 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला ईयर निकालें सब लोग। इसमें थोड़ा कोई मसला आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है मेरे पास, वैसे तो यही क्वेश्चन लग रहा है लेकिन वैसे उधर लिखा हुआ है 11, यहाँ पर जो रेलिवेंट क्वेश्चन लग रहा है वो है 10। चलो अब ये वाला ईयर नंबर आपने खोलना है, सब लोग अपनी पास पेपर की बुक अगर रखेंगे सामने तो फायदा होगा।
वन सिमिलैरिटी वन डिफरेंट बिटवीन न्यूक्लियाई और टू डिफरेंट आइसोटोप, अगर दो आइसोटोप होंगे ना तो उनमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि उनमें क्या हो सकता है, उनमें जो उनका मास नंबर हो सकता है, मास नंबर वो सेम हो जाता है और एटॉमिक नंबर डिफर करता है। तो ऊपर आ जाएगा मास नंबर और नीचे आ जाएगा एटॉमिक नंबर। द आइसोटोप, चलो आप लोग मुझे ये भर के दो, ये दो लाइनें भर के दो, सब लोग ये दो लाइनें भर के दें। ये ईयर नंबर में कोई गलती हो रही है, क्या चाहिए कौन सा ईयर? सब लोग मुझे वो दो पार्ट करके दीजिएगा। आप लोग आगे सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा आई एम फेसिंग अ टेक्निकल इश्यू विद द लैपटॉप, तो आप लोग सवाल को आगे चलाओ।
देखिए जिन्होंने सॉल्व किया है वो आंसर शेयर कराएं। डिस्क्राइब हाउ अ न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम डिफर फ्रॉम एन अल्फा पार्टिकल। तो आप एग्जामिनर अब पूछ रहे हैं पार्ट थ्री में आ जाओ, हाउ अ न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम, हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना, और अल्फा पार्टिकल में तो खाली न्यूक्लियस होता है। तो आप आंसर लिखिएगा, पार्ट थ्री का आंसर लिखिएगा, एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल, पार्ट थ्री का आंसर लिखिएगा, एन एटम ऑफ हीलियम कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स while an alpha particle does not have any electron, alpha particle mein electron nahi hota. Chalo aage padho. In an experiment to collect a small quantity of helium, a sample of radon 222 is enclosed in an inner gas tube which has a very thin wall. The figure shows the thin tube. This tube is placed inside a container that is initially evacuated. Both the container and the inner glass tube are sealed. As the radon 222 decays, alpha particle pass through the thin wall of the inner gas tube. The figure shows how the total number of alpha particle produced by the radioactive decay of the radon 222 changes as time passes. Y axis pe number of alpha particles hai aur x axis pe time hai. Aista aista alpha particle badh rahe. Figure 10.2 to determine the number of alpha particles produced in 7.6. तो जरा ग्राफ से रीडिंग लो, 7.6 पे जाकर ग्राफ के y एक्सिस को रीड करो, जरा रीड करके मुझे चैट पे आंसर बताओ। आंसर बताओ यार, 7.6 पे जाकर I'm facing some problem with the windows presently, तो the screen ऐसा लग रहा होगा आपको कि स्क्रीन स्टक हो रही है, तो इसमें कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम आ रही है। इस सवाल पर ही हम रोक लेते हैं बिकॉज इसको फिर अगली क्लास में पूरा कर सकेंगे, क्योंकि मुझे इसमें इसको चल नहीं पा रहा, तो हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। आप में से कोई अगर आंसर शेयर करना चाहता है तो वो बता दे, लेकिन एक्चुअली इसमें चलने में प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, 2×10 power सही है, मुझे लग रहा आप सही कह रहे हो। फिर हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।